अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। आज हमारे पास है सैमसंग A50। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं सैमसंग A50 की अनबॉक्सिंग और बताऊंगा कि आपको जो है इसके अंदर क्या स्पेक्स और फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, टेक अनबॉक्सिंग की वीडियोस, होम मेड गैजेट्स कैसे बनते हैं, इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो बिना टाइम जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि A50 के अंदर आपको क्या स्पेक्स और फीचर्स देखने को मिलते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में किस प्राइस के साथ आता है और क्या ये जो प्राइस टैग में आ रहा है ये अपने स्पेक्स को उस हिसाब से वेरी करता है या नहीं करता। तो दोस्तों ये है A50, सैमसंग का A50 हमारे पास आ गया। करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या मिलता है। अगर सबसे पहले पीछे की तरफ हम देखें तो पीछे की तरफ जो है यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर जो है इधर इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के बारे में बताया गया है। बताया गया इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं और यहाँ पे बताया गया कि आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अब इस मोबाइल की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके अंदर आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ये सैमसंग का वो अपर बजट रेंज फोन है जो कि 50,000 की प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में आता है 128 GB के वेरिएंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 4G LTE है, ऑक्टा कोर इसका प्रोसेसर है, 6.4 इंचेस की आपको फुल स्क्रीन देखने को मिलती है और AMOLED स्क्रीन के साथ आता है और 128 GB और 4 GB रैम का कॉम्बिनेशन। करते हैं इसको अनबॉक्स, खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। अब अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो है आपके कुछ बॉक्स ये इधर देखें तो यहाँ पे आपको कंटेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर जो है आपको जो है सिलिकॉन पाउच देखने को मिल जाता है और साथ कुछ कंटेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं ये सैमसंग वगैरह के। अब इसको रखते हैं एक बार साइड में और देखते हैं कि आपको और क्या देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। तो अगर इस तरफ बॉक्स के इस हिस्से में देखें तो बॉक्स के इस हिस्से के अंदर जो है आपको ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन देखने को मिल रहा है। ये जो है मेरे पास ब्लू कलर में आया सैमसंग का। अभी भी इसको भी देखते हैं, इसको भी रखते हैं साइड में, पहले बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है सैमसंग की आपको हैंड फ्री देखने को मिलती है जो कि एक नॉर्मल सी हैंड फ्री है। तो इसके अंदर आपको एक हैंड फ्री देखने को मिल रही है, हैंड फ्री के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे केबल देखने को मिल रही है। और मज़ेदार बात क्या है कि सैमसंग वैसे इस तरह के काम करता तो नहीं है पर इस मोबाइल में उसने आपको USB Type-C पोर्ट प्रोवाइड की है। अब अगर बात कर लीजिए चार्जर की तो चार्जर पे गौर करें तो ये चार्जर पे अगर गौर करें तो ये जो चार्जर है ये फास्ट चार्जर है जो कि 5V 2A है। तो ये तो हो गई बॉक्स कंटेंट की बात। अब ज़रा मोबाइल को देख लेते हैं और देखते हैं कि मोबाइल के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये जो मोबाइल है इसको रैप को करते हैं रिमूव और करता हूँ मैं एकदम बूट, ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद कर लेता हूँ इसकी कुछ सेटिंग्स हो गई हैं। अब जो है ये मोबाइल देख लें आप, आपके सामने ऑन हो गया। अब ये मोबाइल जो है आपके सामने है, मोबाइल के जो है बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। अब मोबाइल की अगर कैमरास की बात कर ली जाए जो इधर लगे हुए हैं, ये इसका जो है बैक साइड पे जो मेन कैमरा वो है 12 MP का जिसका कॉम्बिनेशन सेकेंडरी कैमरा है 5 MP और इसी के नीचे आपका 8 MP लगाया गया और ये बनते हैं मिलकर ट्रिपल कैमरा सेटअप। और जो फ्रंट कैमरा है ना यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा आपको जो इसका इन्फिनिटी यू डिस्प्ले सैमसंग कहता है ये आपको इससे पहले वीवो और ओप्पो के मोबाइल में भी देखने को मिल गए हैं। अब डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बड़ा है और क्योंकि अमोल्ड है तो जो इसकी क्रिस्प आपको नज़र आ गई कि कितना क्रिस्प है और आंखों को बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब 25 MP का कैमरा, अगर कैमरास के पहले गौर कर लें तो कैमरास पे मैं क्लिक करके फ़ोटो आपको दिखाता हूँ कि कैमरा जो है वो कैसी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है। कैमरा को मैंने कर लिया ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी फ़ोटो तो क्लिक करके आपको फ़ोटो नज़र आ रही होगी ये कितनी डिटेल्स है। कैमरे की जो अगर क्वालिटी है बेशक कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और आपको एक अच्छी सेल्फी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर बैक कैमरे की बात कर ली जाए तो बैक कैमरे की भी मैं आपको एक पिक्स वगैरह खींच के दिखा देता हूँ। बैक कैमरे की भी पिक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने पिक्स क्लिक की हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे एक पिक्स का। अब ये पिक्स भी आप देख सकते हैं क्लियरिटी कितनी क्लियर है सैमसंग वगैरह के। अरे अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा जूम करें तो हल्के से पिक्सल मुझे अभी फट रहे हैं, मैं इसको भी चेक करता हूँ। इसके अंदर आपको स्लो मोशन वीडियो देखने को मिल जाएगी, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पैनोरामा मोड देखने और बहुत से सैमसंग के अदर फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये मोबाइल के अंदर अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है तो इसकी मेन हाईलाइट तो भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर थी। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है सैमसंग के हर फोन के अंदर अब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ एक बार इसकी फिंगरप्रिंट की सेटिंग और देखता हूँ कि मुझे फिंगरप्रिंट की क्वालिटी जो है वो कैसे देखने को मिल रही है।
अब फिंगरप्रिंट की सेटिंग को मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पे पैटर्न रख लेते हैं हम यहाँ पे अपना एल कंटिन्यू, एल कंटिन्यू। अब जो है ये जो पैटर्न इसने रख लिया है, अब इस तरह वो कह रहा है कि फिंगरप्रिंट जो है प्लेस करें। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का साइन आ गया है। अब यहाँ पे जो है जैसे मैं फिंगर प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है इसकी लाइट चल रही है और जो है फिंगर को जो है वो अपना रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको नज़र आ रहा हो। अब देखते हैं कि ये फिंगर जो है किस तरह वर्क करता है। 44% तक इसने कर लिया है अभी तक, तो ये नॉर्मल सही इतना बाकी फ़ोनों की तरह ही काम कर रहा है। देखेंगे कि ये इसके अंदर और क्या है। जो इसके अंदर ग्रीन लाइट चल रही है वो काफ़ी मज़ेदार इफेक्ट दे रही है आपको। तो जल्दी से कर लेते हैं इसका सेटअप, इसका ऐड हो गया है, कंटिन्यू कर लेते हैं। एक और चीज़ बस, इसके अंदर जो है आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है, जो कि अब हर मोबाइल के अंदर जाहिर सी बात है आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी हमने इसके अंदर जो है अपनी सेटिंग की है फिंगरप्रिंट की, तो देखते हैं कि ये कैसे अनलॉक हो रहा है। तो बिल्कुल नो, अच्छा वर्क कर रहा है। पहले मैंने कुछ लोगों से सुना था कि इसका फिंगरप्रिंट जो इतना कुछ खास वर्क नहीं कर रहा, पर ये देखें मेरा फिंगरप्रिंट तो इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है। ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा हो ना, ये मैंने अपने फ़ोन को ऑन किया, ये फिंगरप्रिंट ये रखा मैंने, नहीं कर रहा, ये ऊपर नहीं रखा था मैंने, ये अनलॉक। अब आपके सामने है कि ये मैं फिंगरप्रिंट को जो है टेस्ट कर रहा हूँ, ये अनलॉक हो रहा है। अब एक बार अगर इसकी फेस आईडी की भी मैं आपको दिखा दूं सेटिंग करके, फेस आईडी भी चेक कर लेते हैं कैसे वर्क कर रही है इसकी। फेस आईडी को भी चेक कर लेता हूं मैं अभी। फेस आईडी की मैंने इसमें सेटिंग कर ली है। अब फेस आईडी जो है, क्योंकि एंड्रॉयड्स की इतनी सिक्योर नहीं होती, क्योंकि ये कैमरा से अनलॉक होता है, तो कोई भी आपकी जो है फेस अनलॉक को ब्रेक कर सकता है। इसलिए मेरी कोशिश ये कि जो है वैसे भी ज़्यादातर लोग इसको फिंगरप्रिंट को प्रेफर देंगे। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में देखा था कि उनका जो है खुल नहीं रहा था। अब आपको यहाँ पे अगर लाइट एक नज़र आ रही है, जो ही आप जो है अपना ऑन करते हैं ये फेस अनलॉक दे रहा है, पर नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी यहाँ पे यूनोस के पास जो है लाइट ब्लिंक हो रही है। अब ये जो है जैसे ही मैं इसकी तरफ देखता हूँ, ये मैंने बंद किया, ये मैंने जैसे ही देखा इंस्टेंट अनलॉक। फेस आईडी भी इसकी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ ये फिंगरप्रिंट, हाँ, अब यहाँ पे जब आपने अगर फेस आईडी और फिंगरप्रिंट इकट्ठे लगाए हैं ना, तो यहाँ पे आपको हल्का सा मसला कर रहा है, पर अगर आपने फेस आईडी और फिंगरप्रिंट अलग-अलग रखा हुआ तो इतना मसला नहीं कर रहा। बाकी ये जो मोबाइल है ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। 50,000 की प्राइस टैग में ये मोबाइल आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये मोबाइल मुझे क्योंकि किसी ने दिया था, तो मुझे आज ही इसको वापस करना होगा, तो इसका रिव्यू तो मुश्किल ही आ जाए। तो ये मोबाइल के मैं यहीं पे आपको रिव्यू में थोड़ा सा बता दूं कि मोबाइल के अंदर आपको पबजी वगैरह गेम जो है बहुत अच्छी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें सैमसंग एक्सोनियस का प्रोसेसर लगाया गया, सैमसंग का अपना प्रोसेसर। और जो मोबाइल है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। फ्रंट पे आपको इन्फिनिटी यू वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और 4 GB की रैम और 128 GB की रोम, और 4 GB की रैम, 64 GB की रोम, दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये ब्लू कलर में है, तीन कलर इसके आते हैं, इसके ब्लैक, व्हाइट और ब्लू, ब्लैक व्हाइट और ब्लू, तीन कलर। अब ये जो है यहाँ पे आपको एक ये हल्का सा रेनबो कलर भी देखने को मिल रहा होगा। अब ये जो मोबाइल है 52,000 की प्राइस में काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ आता है। हाँ, इस पैकेज में आपको जो है फुल व्यू डिस्प्ले भी देखने को मिल रहे हैं, पर अगर आप सैमसंग का अमोल्ड स्क्रीन को प्रेफर करते हैं, सैमसंग के लवर हैं, तो जो है आप सैमसंग के मोबाइल को कंसीडर कर सकते हैं। आपने अगर गेमिंग के लिए लेना है और कैमरे के लिए लेना है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। पर अगर आप एक फुल व्यू डिस्प्ले चाहते हैं और न्यू के साथ चलना चाहते हैं, तो आपके लिए इस पर पहले हुवावे का Y9 प्राइम भी अवेलेबल है, जो कि 4 GB रैम 128 GB रोम के साथ आता है, और ओप्पो का F11 प्रो भी अवेलेबल है। अब ओप्पो का F11 प्रो गेमिंग में इससे थोड़ा बेहतर निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो गेमिंग के लिए अलग से कैलिब्रेशन थी। यही था इसका ओवरव्यू अनबॉक्सिंग की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से होगा कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो निकल के आती है, तो आप इसे मिस आउट नहीं कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत है, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।